तिलहनी फसल में जो हमारी सरसों है एक प्रमुख फसल है, और इसकी इसकी खेती से किसान भाई आप आमदनी भी अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। तो खास करके बात यह उठती है कि जैसे आप इसकी खेत का चुनाव कैसा करें, खेत की तैयारी कैसे करें, फसलों का बीजों किस्मों का कैसे चुनाव करें, तो यह सब चीज़ें एक महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है खास करके तिलहनी फसलों में। और जैसे हम राई की बात कर रहे हैं सरसों, तो राई में क्या होता है खास करके इसमें जैसे हमारी उन्नत किस्में हैं जैसे शिवानी है या हमारी जो है ये क्रांति है या हमारा वरदान है तो पूसा बोल्ड है, तो ये सभी उन्नत किस्में हैं जिसको कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक लगा देनी चाहिए। और ख़ास करके जब इसके हम खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी में आप जैसे ही आपकी धान की कटाई होती है तो धान की कटाई के बाद आप उसमें जो है आप जुताई करें 2 से 3 जुताई करके, और उसके बाद जैसे कि इसमें आप बुआई के लिए जाते हैं तो इसमें जैसे कि आपका ये जो बीज जो आपने संशोधित बीज बताई तो इसमें क्या है कि आप उसका चयन करें और खेत की तैयारी में जैसे 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर जो है फार्म एड मेन्यूर जो सरी भी गोबरी खाद कहते हैं वो मिलाएं। राई की खेती कर रहे हैं तो इसमें इसकी चूंकि ज़्यादा रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है तो इसमें क्या 80 किलो आप नाइट्रोजन लें, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश और इसमें 20 से 25 किलो जो है जिंक सल्फेट का आप इस्तेमाल करें सल्फर के रूप में, ताकि इससे क्या होती है कि आपको इसमें जो बीजें बनती हैं उसमें तेल की क्षमता तेल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। जैसे हम जानते हैं किसान भाई उसमें अगर आप अच्छी ये करेंगे तो कम से कम 40 से 42% आपको तेल की रिकवरी उसमें आपको मिलती है। और जब आपकी खेत तैयारी हो जाती है जब आप इस खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके बाद क्या है कि इसमें आप जब खेत की तैयारी कर रहे हैं बुआई के लिए कम से कम इसमें कतार से कतार की दूरी जो है वो आप 30 सेंटीमीटर रखें और पौधों से पौधों की दूरी जो है आप 5 से 10 सेंटीमीटर रखें ताकि आपकी अच्छी फसल जो है उसकी उत्पादन होगी। और ख़ास करके जब आप इसमें जब करते हैं तो इसमें आप जरूर बीज उपचार जरूर कर लें क्योंकि तो बहुत बीज जनक जो रोग होते हैं या मिट्टी जनक रोग होते हैं तो उससे बचाव के लिए तो उसमें जैसे कि कैप्टन है या थायरम है तो 2 ग्राम प्रति kg बीज के हिसाब से आपको बीज उपचार अवश्य कर लें और उसके बाद आप बुआई इसे कर लें। तो बुआई करने के बाद इसमें जैसे कि खरपतवार की भी प्रबंधन की आवश्यकता होती है तो उसमें जैसे कि है कि आप 1 से 2 इसमें खरपतवार निकाली जाती है मानवीय विधि से और इसमें जैसे कि आप है कि 30 से 60 दिन पे 2 बार आप इसको खरपतवार निकालें और जो बची हुई जो 1/3 जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको आप खड़ी फसल में छिड़काव कर दें या जब आप फर्स्ट निराई कर लेते हैं